चलो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं बट्टा। बट्टा किसे कहते हैं, इसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे। ये हमारे पास क्या है, दवाई का डब्बा। ठीक है, तुमने देखा होगा प्रत्येक दवाई के डब्बे पर लिखा होता है MRP रुपीज, है ना जी। रेट लिखा होता है, तो जैसे इसमें कितना रेट लिखा है, 200 रुपए। कितना रेट लिखा है, 200 रुपए। 200 रुपए क्या है, ये दिखाई दे रहा आपको, क्या लिखा है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य वस्तु पर छपा मूल्य, उसका अंकित मूल्य कहलाता है। तो ये 200 रुपए क्या है, इसका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, समझ गए जी। उसके बाद आता है बट्टा। क्या आता है, बट्टा। बट्टा लिखा है, वस्तु के छपे मूल्य पर जो छूट दी जाती है वह बट्टा कहलाती है। क्या कहलाती है, बट्टा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल जाते हैं जी। तो ये दवाई का डब्बा हमने लिया जी। रेट इसका कितने है, 200 रुपए। तो 200 रुपए हो गया अंकित मूल्य। अगर हम इस पे क्या लेते हैं, कोई छूट लेते हैं, यानी कि मेडिकल वाला हमें क्या देता है, इस पे छूट देता है। मान लो उसने कितने परसेंट छूट दे दी, 10%। कितने परसेंट, 10%। तो हमें कितने रुपए की छूट मिल जाएगी, 10 रुपए की। 20 रुपए की। कितने मिलेगी, 200 रुपए में कितने रुपए छूट होगी, 20 रुपए की, है ना। तो जो हमें 20 रुपए की जो छूट मिली वो क्या कहलाएगी, बट्टा। बट्टा क्या कहलाएगी, वो बट्टा। बट्टा कहलाएगी, ठीक, समझ गए बट्टा क्या होता है जी। उसके बाद आता है विक्रय मूल्य। क्या आता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, जो इस पे रेट लिखा है, यानी कि अंकित मूल्य। अंकित मूल्य में से अगर हम जो मेडिकल वाले ने जो हमें छूट दी है, छूट देने के बाद जितने का हम उसे खरीद कर लाए हैं, वो क्या कहलाएगा, उसका विक्रय मूल्य। क्या कहलाएगा, उसका विक्रय मूल्य। मतलब जितने रुपए में वस्तु बेची जाती है वह वस्तु, उसका वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। वह क्या कहलाता है, उसका विक्रय मूल्य। इसका सूत्र बन जाता है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा। अगर अंकित मूल्य में से हम क्या घटा दें, बट्टा घटा दें, तो क्या बच जाता है, विक्रय मूल्य। और एक सूत्र आता है बट्टा प्रतिशत। क्या आता है, बट्टा प्रतिशत। बट्टा प्रतिशत बराबर होता है बट्टा गुना 100 बटे अंकित मूल्य। इसके द्वारा हम क्या करेंगे, बट्टे के सवाल करेंगे। समझ में आ गया जी। अंकित मूल्य क्या होता है जी। बट्टा क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है जी। और इससे हम बट्टा प्रतिशत का सूत्र के द्वारा बट्टा निकाल सकते हैं कि कितने प्रतिशत हमें छूट मिलती है। ठीक है जी। देखते हैं, सलमा ने साड़ियों के सेल से 25% की छूट मिलने पर ₹600 अंकित मूल्य की साड़ी खरीदी। उसने वह साड़ी कितने में खरीदी। एक सेल लगी हुई है साड़ियों की, सलमा उसमें से क्या करती है, साड़ी खरीदती है। ठीक, तो क्या है, साड़ी का अंकित मूल्य कितना है, 600। साड़ी का अंकित मूल्य बराबर कितने रुपए है, 600 रुपए। कितने रुपए है, 600। और हमें जो छूट है, छूट कितने प्रतिशत है, 25%। छूट मतलब बट्टा। क्या है, बट्टा। छूट को क्या बोलते हैं, बट्टा। बट्टा कितने प्रतिशत दिया है, 25%। 25% उसे छूट मिल जाती है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है कि वो साड़ी उसने कितने रुपए में खरीदी, मतलब विक्रय मूल्य। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो हम निकालेंगे कि बट्टे की राशि, बट्टा कितना मिला हमें, बट्टे की राशि। बराबर बट्टा किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर। किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर। अब अंकित मूल्य कितना है, 600। 600 का 25% कितना है, 25%। अब जब प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो क्या करते हैं, 600 बटे में कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 का पाड़ा पड़ते 6 बार, 25 छक्का कितना आ जाएगा,
150 यानी कि 150 रुपए। कितना आया? 150 रुपए की क्या मिल गई? उसे 150 रुपए की छूट मिल गई। समझ गए? विक्रय मूल्य विक्रय बात है नहीं बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? मैंने सूत्र लिखाया था आपको, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। बताया था ये सूत्र जी। तो अंकित मूल्य कितने रुपए है? 600 रुपए। कितने रुपए है? 600 रुपए। और बट्टा छूट कितनी मिली हमें? 150 रुपए। कितने 50 रुपए मिली? 150। तो कटाए कितना बचाएगा? 450 रुपए। यानी कि सलमा जो साड़ी खरीद के लाई थी वो कितने रुपए में खरीद के लाई थी? 450। तो समझ गए? अच्छी तरह समझ में आ गया जी। यही क्या होगा इसका? धन्यवाद।